السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जी, कैसे हैं आप सब लोग? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله. ما بثيك تاكو؟ اوكي. आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप में. और आज हमारे पास फजाइले इल्म के हवाले से एक हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल कुरानी अहलुल्लाहि व खासतुहु, कि जो कुरान के अहल होते हैं यानी कुरान वाले होते हैं वो अल्लाह वाले होते हैं और अल्लाह के खास होते हैं. वह खास सातु हो यानी उसके खास लोग होते हैं. तो आप यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान वालों को, यानी कुरान वाले कौन हैं, जो कुरान को सीखते हैं, कुरान से उनकी मोहब्बत होती है, उसको पढ़ते हैं और फिर उसको समझने के लिए कोई भी एफर्ट करते हैं, तो वो सब कुरान को सीखने के लिए असल में हो रही होती है. और हम भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी भी अगर अरबी जबान से कोई एक उन्स है, मोहब्बत है, हम उसको सीखना चाहते हैं, तो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो यही है कि हम अल्लाह की किताब को अच्छे तरीके से समझें. और क्योंकि हमारा जो ज्यादातर इल्म का जो तमाम मवाद मौजूद है वो भी ज्यादा अरबी जुबान में है, क्योंकि अरबों पर नाजिल हुआ, अरबों से दीन अरबों के अंदर पहले फैला, फिर उसके बाद अजमी लोग आए. तो इस तरह से जो पहली तालीफात अगर हम देखें, जो पहली किताबें लिखी गई हैं या पहली किताबें कंपाइल हुई हैं, क्योंकि अहादीस जो है वो कंपाइल होती हैं, वो लिखी तो नहीं जाती. तो इन इन दैट सेंस के एक राइटर होता है वो अपने व्यूज लिखता है, लेकिन जो अहादीस होती हैं उनकी तालीफ होती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत होकर उनको एक जगह के ऊपर जमा किया जाता है किताब के अंदर. तो अगर हम शुरू के टाइम में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देखें तो उसमें जितनी भी तारीफात हुई हैं, उसके जितनी भी शुरूह लिखी गई हैं, जितनी एक्सप्लेनेशन मौजूद है हमारे पास कुरान की भी या अहदीस की, वो सब अरबी जबान में. तो यानी अगर हम अरबी जबान सीख रहे हैं तो हमारा मकसद फिर वही है कि हम कुरान को अच्छे तरीके से समझें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को अच्छे तरीके से समझें, और जो हमारे असलाफ हमारे लिए एक मीरास छोड़ के गए हैं इल्म की, उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें. और इसका फिर अजर क्या है, यानी एक इसका ये रिवॉर्ड है ना कि हम अल्लाह ताला वाले हो जाएंगे और हम अल्लाह के खास लोगों में से हो जाएंगे. अब आप इसकी मिसाल देखें, जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, हर बंदे को कोई ना कोई पसंद होता है, वो जब आता है तो यानी महफिल के अंदर आता है तो लोग क्या करते हैं कि लपकते हैं उस शख्स की तरफ कि यार हमें हाथ ही लगा दे. आपने देखा होगा ना अक्सर बॉक्सर्स गुजर रहे होते हैं या कोई जो मशहूर लोग हैं वो जब गुजरते हैं तो लोगों का इसी तरह से जो है उनकी तरफ लपक के गुजरते हैं. और अक्सर मैं देखती हूँ जैसे ये हरमैन के जो है सुदैस शुरैन, ये जब आते हैं तो इनको भी गार्ड्स के उसमें लेके आया जाता है. तो देखें वो तो दुनिया के जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले जो मिसाल दी बॉक्सर्स वगैरह की या सेलिब्रिटीज की, वो जो लोग हैं वो तो दुनिया की एक शोहरत उन्होंने हासिल किया है, लेकिन ये लोग दीन के हैं. जैसे सुदैस शुरैन, ये जब हरमैन में आते हैं तो आप देखें इनको भी लोग आगे जैसे इन्होंने कवर किया होता है, इनको भी जो इज्जत मिल रही है वो किस चीज की वजह से मिल रही है, कुरान की एक जो कुरान से ये लोग जुड़े हैं, कुरान के इल्म से जुड़े हैं, उसकी वजह से लोग इनसे भी कितना मोहब्बत करते हैं और इनको भी कितना ज्यादा इनके करीब होना चाहते हैं, यानी खास होना चाहते हैं. अगर फर्ज करें कोई इन्हीं लोगों में से हो और हमें बताए हाँ जी देखा है मेरे तो फलाना जो है वो
बड़ा बंदा है लेकिन वो मेरा दोस्त है, तो कितना इंसान प्राउड फील करता है। तो यहाँ पर इस हदीस में अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो कुरान वाले हैं वो मेरे खास हैं। तो ये जो अल्लाह का खास होना, ये तो बहुत ही बड़ा रुतबा है। तो इसको हासिल करने के लिए हमें फिर की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए इसके हवाले से। और इसमें मुझे एक हजरत आसिया की मिसाल भी याद आती है कि हजरत आसिया जो कि फिरौन की वाइफ थी, जब उनका आखिरी वक्त करीब आया और उनके ऊपर जो जुल्म सितम फिरौन ने किए, तो उन्होंने भी आखिरी वक्त में कुछ नहीं मांगा अल्लाह ताला से, लंबी चौड़ी लिस्ट, मुझे ये नेमत देना, मुझे वो नेमत देना, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना। उन्होंने कहा बस अल्लाह ताला मुझे एक घर दे देना, और वो भी अपने पास। तो ये देखें कि ये अल्लाह ताला का पास होना, क्योंकि उन्होंने एक चीज का मजा चखा था, दीन का, ईमान का, उनके पास इस चीज की लज्जत मौजूद थी, इसलिए उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, रब्बी बिनिली बैतन आइंदका फिल जन्ना, के मुझे एक घर बना दो। और उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे बहुत अच्छा सा घर बना दो, उन्होंने कहा बैतन। अब हम ग्रामर जैसे पढ़ें तो हमें पता है कि बैतन जो है वो इसम नकिरा है, यानी कोई भी घर हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस मुझे घर दे दो और वो अपने पास देना। तो यानी वो भी जो उनने भी जो कुर्ब मांगा अल्लाह ताला का, वो अल्लाह ताला के खास और करीब होने वाला कुर्ब मांगा। तो ये हम लोग भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि अगर हम कुरान का इल्म और कुरान से रिलेटेड जो जो चीजें हैं उन सबको सीखेंगे हम, और इससे अपना मोहब्बत और ये सब कुछ हम हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी अल्लाह ताला के अहल और खास में से आ सकते हैं, इस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आज के हमारे टॉपिक्स हैं, मदीना बुक हमने शुरू करनी है चैप्टर नंबर 4, और अस्माए दमीर, इस्म दमीर जो है हम शुरू करेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने होमवर्क्स वगैरह चेक किए तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि जैसे हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था, तो हमने क्या कहा था कि अर्रजुल सालिहु, ये हमने मुरक्कब तौसीफी की एक तरकीब पढ़ी जिसमें अर्रजुल मौसूफ है तो अस्सालिहु उसकी सिफा है। ठीक है, इसमें जब हमारे पास सिफा चार पहलू के हवाले से मौसूफ को फॉलो करती है तो क्या होता है कि वो मुरक्कब तौसीफी बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने एक और चीज ये पढ़ी कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और ये कहें कि अर्रजुलु सालिहुन, हमने बाकी सारी जो हमारे तीन पहलू हैं यानी जिन्स का, अदद का, एराब का, उसमें हमने जो सेकंड वर्ड है उसको पहले वर्ड के इक्वल रखा, लेकिन हमने वुसत में जो है अर्रजुल को मारिफा रखा, सालिहुन को नकिरा कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर एक सेंटेंस बन जाता है, अर्रजुलु सालिहुन के आदमी नेक है। और जब हम ये कहते हैं अर्रजुलु सालिहु यानी मुरक्कब तौसीफी की हम जब तरकीब बनाते तो हम इसको कहते हैं, इसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं वो करते हैं नेक आदमी, यानी मुरक्कब तौसीफी जो है वो हमारे पास नाकिस है, मुरक्कब नाकिस है, यानी वो पूरा मफहूम नहीं देता। लेकिन जब हम इसको बदल देते हैं और थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद अर्रजुलु सालिहुन कह देते हैं तो ये क्या हो जाता है कि आदमी नेक है, ये जुमला बन जाता है। इसी हवाले से मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहती थी जिससे मुझे लगता है कि जो मुरक्कब इशारी है उसमें थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं कुराने मजीद से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वतिल्का नियमतुन, ठीक है ना, वतिल्का नियमतुन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मुरक्का